क्योंकि 30,000 रुपये के बजट में मार्केट में ना ऑप्शंस काफ़ी कम है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस बताने वाला जो कि टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स होंगे 30,000 रुपये के बजट में। एंड इनमें आपको लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में आते हैं और डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो हाँ, आप इसमें अपना जो ओवरऑल काम है काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो सभी लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड सभी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एंड हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वही गाइस, बात करते हैं इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में। सो गाइस, पहले लैपटॉप के बारे में बात करेंगे इस लिस्ट में, तो ये है Asus का VivoBook 15 2021 वाला वर्जन। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि HD डिस्प्ले। सो गाइस, यहाँ पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा और इस प्राइस पॉइंट में आपको देखने को मिल जाता है AMD Ryzen 3 का 3250U का प्रोसेसर। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको लगभग जो लैपटॉप्स होते हैं सारी कंपनियाँ यही आपको स्पेसिफिकेशन ऑफर करने वाली है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 8GB का रैम जाता है और सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ पे आपको SSD ही लेना है, तो यहाँ पे आपको 256GB की SSD मिल जाती है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ में आता है। और सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ पे आपको विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी और लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्राइस पॉइंट काफ़ी कम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और अलग से बैंक्स के ऑफर होते हैं जिसको ज़रूर से ऐड करना ताकि आपको इफेक्टिव डिस्काउंट में और कमी देखने को मिले। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो ये है Acer का 114 बिजनेस लैपटॉप। सो गाइस, बिजनेस कैटेगरी के लैपटॉप में अगर कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये लैपटॉप ले सकते हो। फिलहाल करेंटली अनअवेलेबल है, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप चेक करते रहना कब ये स्टॉक में आता है। वैसे लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर वही सेम है Ryzen 3 का 3250U, जैसा कि मैंने कहा इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सेम जो कंपनी होती सेम स्पेसिफिकेशन ऑफर करती है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 8GB रैम, वही सेम 256GB की SSD, इसमें आपको AMD का रेडियन ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें भी आपको विंडोज 11 होम देखने को मिलेगा। तो जितने भी लैपटॉप्स मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी लेटेस्ट लैपटॉप है। यहाँ पे आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि HD डिस्प्ले है और वेब कैमरा HD वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाली। ट्रैक पैड वगैरह काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी सभी लैपटॉप का मस्त है और लाइट वेट भी ये लैपटॉप है, तो आप इसको काफ़ी आराम से कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस HP की तरफ से आता है और HP का लैपटॉप लेना इस प्राइस पॉइंट में तो ये है HP का 14S। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप राइजन वाले प्रोसेसर के साथ में जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटेल का सेलरॉन N4500 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन राइजन 3 का जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। सेम स्पेसिफिकेशन स्टोरेज के मामले में 8GB रैम, 256GB की SSD, 14 इंच की डिस्प्ले, HD डिस्प्ले सेम वही है और आपको इसमें इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और हाँ, इसमें आपको MS ऑफिस का 2021 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, तो आप ले सकते हो। और हाँ, इसका मॉडल नंबर आप नोट करके रख लो, अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हो तो खरीद सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन लेना, आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और अच्छी बात ये है कि मैंने लैपटॉप को कैसे सेटअप करना ये सारा वीडियो बना रखा ऑलरेडी, मेरे चैनल पे जाकर चेक करना, कोई अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल अमेजोन वाले बेच रहे 750 रुपीज़ में, अगर आपको लैपटॉप सेटअप करवाना तो वो ऐड कर सकते हो, मत करवाना। वीडियो देखो, सीखो और खुद कर लो काफ़ी ईजीली है। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस Asus का VivoBook 15 2021 वाला वर्जन, ये भी एक ऑप्शन है गाइस, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें अगर देखो तो इसमें आपको वही सेलरॉन का डुअल कोर प्रोसेसर मिल जाएगा इंटेल का N4020। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, यहाँ आपको 4GB रैम मिलती है, बाकी सब ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा, लेकिन इसका प्राइस पॉइंट काफ़ी कम है। तो इस प्राइस पॉइंट के कैटेगरी का अगर बजट है आपका तो आप इसको ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली दे दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस है Acer का Extensa 15, ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है और इस प्राइस पॉइंट आई का 11 जनरेशन का प्रोसेसर अगर आपको चाहिए तो Acer का Extensa 15 आपके लिए काफी बेटर चॉइस बन सकता है। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको मत छोड़ना। प्राइस पॉइंट काफी अच्छा है, काफी अच्छी कीबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले के साथ में ये आता है और सबसे अच्छी ये बात है कि इस प्राइस पॉइंट आपको ये जो लैपटॉप है फुल HD डिस्प्ले दे रहा है, तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। ये जो लिस्ट में मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ Acer का Extensa 15, ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इस लिस्ट में, तो इसको मिस आउट मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डू चेक इट आउट। 30,000 रुपये का बजट है तो Acer Extensa 15 आपका चॉइस होना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। सो बस गाइज, मैंने आपको सारे लैपटॉप्स दिखा दिए एंड यहाँ पे सभी लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया लाइक कर लो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।